हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ड्राइविंग लाइसेंस से पार्ट 6 लेके आया हूँ। पार्ट 5 तक आप लोगों को करा दिया हूँ और आप आसानी से घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं MCQ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि एक तिराही की यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहाँ पहुँचने वाला वाहन चालक को आवश्यकता होगी। अगर एक व्यक्ति एक तिराहे पर जा रहा है, सिग्नल बत्ती जल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो वाहन पहुंचने वाला जो चालक है उसको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अगला ऑप्शन दिया है रुकने के लिए गति को धीमी कर देनी चाहिए, हॉर्न बजाकर आगे बढ़ना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों इसमें जो दिया गया है सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। ये आपका ऑप्शन हो सकता है रुकने के लिए गति को धीमा कर देना चाहिए। तो धीमा जब करेंगे तो सुरक्षा भी हो जाएगा और फ्रंट पे देख भी सकते हैं। यही ऑप्शन सही होगा। हॉर्न बजाकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए दोस्तों, दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है क्योंकि आपकी सिंगल बत्ती जल रही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सभी प्रकार के मोटर वाहन अनुचित होने चाहिए, जीवन बीमा से, थर्ड पार्टी बीमा से, व्यापार बीमा से, या इनमें से कोई नहीं। गाड़ियों के लिए क्या जरूरी है, जीवन बीमा? जीवन बीमा दोस्तों मैन के लिए होता है, हुमेन के लिए होता है। थर्ड पार्टी बीमा ये आपकी गाड़ी के लिए होता है, व्यापार बीमा या व्यापार के लिए होता है। आपका यही ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला, थर्ड पार्टी बीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी निजी वाहन के अनुमति यात्री क्षमता दर्ज होती है, क्या होती है दोस्तों? पंजीयन प्रमाण पत्र में, टैक्स टोकन में, परमिट में। और आपका परमिट में तो ये दर्ज नहीं होता दोस्तों, टैक्स जो क्षति होती है, क्षमता होती है, टैक्स टोकन में भी नहीं होता, पंजीयन प्रमाण पत्र में ही दर्ज होता है कि इसकी क्षमता कितनी है किसी भी बाइक की। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओवरटेक, ये आपका ऑप्शन है दोस्तों, ओवरटेक वर्जित है जबकि मार्ग, ऑप्शन पहला दिया है मार्ग टूटा हुआ और सफ़ेद मार्ग से रेखा से चिन्हित हो, यह आपका हो नहीं सकता दोस्तों। दूसरा दिया गया है रास्ता जिस पर मध्य में टूटी हुई रेखा पीली रेखा की रेखा हो, ये भी आपका हो नहीं सकता दोस्तों। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चल रहा हो, ये आपका दोस्तों ऑप्शन सही होगा, ओवरटेक करना वर्जित है जब आप खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छपकने वाले लाल यातायात बत्ती का मतलब क्या होता है? जो झपकती है लाल बत्ती उसका मतलब क्या होता है? वाहन तब तक रोका रखना चाहिए जब तक हरी बत्ती ना हो जाए। अगला ऑप्शन है वाहन रोककर तभी आगे बढ़ना चाहिए जब ऐसा करना सुरक्षित हो, गति कम करके आगे बढ़ना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं सही दोस्तों। सही आपका यही ऑप्शन सही है, जब तक आपकी लाल बत्ती जल रही है, बुझ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आप यह जब हरी बत्ती हो तभी आप आगे बढ़ना चाहिए, वहां तब तक रोक कर रखना चाहिए जब तक हरी बत्ती ना हो जाए, यही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सुरक्षा चालान क्या है, सुरक्षात्मक चालान क्या है? पहला ऑप्शन ही आप इसका सही होगा, सावधानी पूर्वक इस प्रण के साथ वाहन चलाना एवं आदि सड़क प्रयोगात्मक के इस्तेमाल के द्वारा यातायात नियमों या चिन्हों के उल्लंघन किया जा सकने पर भी सुरक्षा चलान करना है। आप सुरक्षित चलाएंगे तो भी उसके अकॉर्डिंग आपको चलान नहीं पे करना होता है, अगर उल्लंघन करेंगे तो ही आपका सुरक्षा के विरुद्ध होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका चालान काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन स्टॉप लाइन का क्या अर्थ है, स्टॉप जो लाइन होती है उसका क्या अर्थ है, इससे पूछा जा रहा है। रोड जंक्शन या पथ यात्री परिपथ के स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ा अथवा पीले रंग की, ये नहीं हो सकता। रेखा के मध्य खींची गई पीले रंग की रेखा, ये भी नहीं हो सकता। रेखा के मध्य स्थित सफ़ेद रेखा, यही आपको ऑप्शन सही होगा, स्टॉप लाइन का अर्थ यही होता है। नहीं नहीं दोस्तों सॉरी,
आपका ये वाला ऑप्शन से होगा, पहला वाला, रोड जंक्शन या पद यात्री परिपथ की स्थित 5 सेंटीमीटर सफ़ेद चौड़ी अथवा पीली रंग की रेखा ही आपकी स्टॉप लाइन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुर्घटना की स्थिति में आपको कौन सी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायता हो सकता है। आप जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वाहन मरम्मत करना चाहिए, प्राथमिक उपचार या वैधानिक सहायता या पुलिस सहायता। आपको पहले सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार लेने चाहिए दोस्तों, ये तो जनरल बात है। हरी बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है, हरी बत्ती के बाद दोस्तों पीली बत्ती जलती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, किसी दुर्घटना घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए डायल करना चाहिए, 108, 101, 100 नंबर, 180। दोस्तों 108 एम्बुलेंस नंबर है, 101 ये तो हट चुका है, 100 नंबर पहले पुलिस का था लेकिन ये भी हट चुका है, 180 ये भी हट चुका है। इस समय आपको एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए, 108। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कब कर सकते हैं। दोस्तों लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत किंतु 6 महीने में, 30 दिन के उपरांत, 30 दिन के बाद और लेकिन 6 महीने के अंदर ये आपका हो सकता है। लेकिन अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 60 दिन उपरांत किंतु 6 महीने पहले, ये भी नहीं हो सकता। लर्निंग लाइसेंस 90 दिन उपरांत 6 महीने भीतर, ये भी नहीं हो सकता। आपका यही वाला ऑप्शन सही होगा, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन के उपरांत किंतु 6 महीने में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आपका पहला वाला होगा, वाहन बीमा के वैधित होती है, वाहन जो बीमा कराते हैं उसकी वैधता कितनी होती है दोस्तों, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। दोस्तों इसमें आपका 1 वर्ष अधिकतर गाड़ियों को होती है, इसलिए एक ऑप्शन सही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अब चिन्ह से रिलेटेड ऑप्शंस और क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होते हैं MCQ क्वेश्चन चिन्ह से रिलेटेड बहुत ही काफ़ी आते हैं। चलिए देखते हैं, निजी वाहन की नंबर प्लेटों का रंग होता है, जो आप प्राइवेट गाड़ी लेते हैं उसका रंग कैसा होता है, काले पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर व अंक, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, पीले पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर व अंक नहीं हो सकता, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग का अक्षर हो सकता है। दोस्तों जो आप देखते हैं इसे नंबर प्लेट लग रहे हैं वो सफ़ेद प्लेट होते हैं और काले रंग से लिखे जाते हैं, ये आपको ऑप्शन थर्ड वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है, कौन सा चिन्ह बताता है कि यह रास्ता साइकिल के लिए है। आपका ये देखिए ऑप्शन साइकिल बना हुआ है और ये भी आपका फिगर दिया है, इसमें भी साइकिल है, ये आपका गड्ढा का चिन्ह दिया गया है, इसमें नो एंट्री बाइक और साइकिल के लिए रहेगा, लेकिन इसमें बताया रास्ता है तो आपका ऑप्शन यही होगा दोस्तों फर्स्ट वाला। कौन सा चिन्ह ये बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है, आपका देखिए यही वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन वाला है, आगे साइकिल वाला रास्ता है, ये तो बाइक पार्क है या साइकिल पार्क है, ये वाला भी आपका रास्ता है आगे के लिए, ये नहीं हो सकता, ये आपका रिंग वाला दिया गया, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शंस होगा। अगला देखते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मुख्य सड़क है, ये आपका ऑप्शन देखिए दिया गया है दोस्तों, इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन तीन ऑप्शन देखिए यहाँ दिया गया है दोस्तों, ये वाला देखिए नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, आगे मुख्य रास्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है ट्रक का प्रवेश वर्जित है, इसमें देखिए यही आपका ऑप्शन होगा क्योंकि और इसमें तो बाइक और गाड़ी काट दी गई है, वर्जित है, और यहाँ पर देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे तिराहा है, तिराहा है दोस्तों, इसमें कौन सा बता रहा है दोस्तों, तिराहा के लिए आपका ये नहीं हो सकता,
ये पार्किंग के लिए है, ये हो सकता है, ये आपका तिराहा के लिए हो सकता है दोस्तों। ओके, थैंक यू।